फैसला उसका ये है मीटिंग उद्देश्य के आंदोलन को एक साल हो गया, सरकार ने तीन काले कानून वापसी ले लिए, जो और मुद्दे हैं संगठन के किसानों के उसमें सरकारों से कैसे बातचीत होगी, आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आंदोलन चला हुआ है और आम कुछ लोगों में ये भी वो था कि तीन काले कानून ही जैसे किसानों की पूरी समस्या का समाधान हो गया, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारा ये है कि अभी बहुत इशू बाकी है, ये मुकदमे बाकी हैं और अभी ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये लगता है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर अभी केसेस दर्ज हैं। अब वो तो पूरे वे आएंगे, अभी कितने व्याप्ते हैं ये हमारा एक बड़ा इशू है। जो कंपनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहाँ पे हुई उनका कंपनसेशन का एक मामला है। MSP का एक बड़ा सवाल देश में है और ये गांव में एक नारा लग चुका है कि MSP अब नहीं तो कभी नहीं, और सरकार उससे, जो लोग इनके गांव में जाएंगे उनसे लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, और भारत सरकार से भी हमारा ये है कि MSP पे भारत सरकार स्पष्ट जवाब दे कि MSP से किसान को लाभ है या हानि है, ये स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा। और MSP गारंटी कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। सर, खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो मीटिंग कल होने वाली है उसमें जो एसकेएम के कुछ नेता हैं, कुछ संगठन हैं जो सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, वो इस आंदोलन से अब जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी जो मेन बेसिक जो मांग थी, तीन कृषि कानून जो उनको पसंद नहीं थे, सरकार के जो कानून बनाए गए थे किसानों को विरोध के लग रहे थे कि हमारे विरोध के कानून है, हमारे नहीं अच्छे नहीं है, उन किसानों के कानून को वापस ले लिया सरकार ने, अब हमारी मांग पूरी होगी, अब वो जाना चाहते हैं, उठना चाहते हैं। तो एक ये भी बात निकल के आ रही है कल की मीटिंग में, ये भी होगा। इस तरह की कोई हमारे सामने बात नहीं आई, और कोई होगी तो उसका जवाब वहाँ पे लोग रहेंगे, वो देंगे पूर्ण रूप से। कल की मीटिंग में चर्चा भी हो सकती है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मीटिंग इसलिए होती है कि कोई क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब आपस में मिल बैठ के उसका जवाब दिया जाए। एक बात सर ये भी आ रही है कि आंदोलन पहले भी हुए हैं किसानों के, और बाबूजी ने भी आंदोलन किया, पिताजी आंदोलन रहे, उस समय इस तरह की कोई लंबा इतना आंदोलन नहीं चला, और जो कंट्रोवर्सी जो इस आंदोलन में हुई है इसमें कुछ ज्यादा हुई है, उसको नहीं, आपको क्या कहना? ये कंट्रोवर्सी करवाई गई है, इतने लंबे आंदोलन नहीं चलते, इतने लंबे आंदोलन सरकारों की हठधर्मी से चलते हैं, इतने लंबा आंदोलन सरकारों की गलत नीतियों से चलते हैं। आंदोलन का मतलब ये है कि जनता कोई किसी चीज़ का विरोध कर रही, सरकार उसमें बुला के जनता से, किसानों से, जिसका भी मूवमेंट है उससे बैठ के बातचीत करे, उनको पार्टी ना मनावे सरकार कि ये पार्टी हमारे खिलाफ है ना। भारत सरकार या कोई भी सरकार, वो सब जनता की सरकार होती है। जब वे सरकारें अपने आप को किसी पार्टी से अटैच कर लेंगे तो ये दिक्कत जब आती है। यहाँ की सरकार ने अपने आप को भारत सरकार ना मान के एक BJP की सरकार मान लिया, और ये मानते हैं कि अगर कोई देश में अपनी हक की आवाज उठा रहा है तो BJP के खिलाफ आवाज उठा रहा। अब इस तरह का सवाल है ही नहीं। लेकिन देखने में ये आया इस आंदोलन के अंदर, जब आप आंदोलन पर बैठे थे तो आपकी इस स्टेज पे राजनीतिक पार्टियां, पहले कहा गया कि राजनीतिक आंदोलन को नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन एक के बाद राजनीतिक पार्टियां आती गई। कहां पे आई? गलत चीज। कोई राजनीतिक पार्टी वाले नहीं आए स्टेज पे, कोई नहीं आए स्टेज पे। आए स्टेज पाए क्या? सपोर्ट आपको मिल रहा है। मैं ये कह रहा कि स्टेज पाए क्या वे? आप किसी को रोक सकते हो? नीचे पब्लिक में कोई आदमी आ रहा तो उसको कैसे रोक दोगे आप? आप पुलिस रोक के ना उनको कि यहाँ पे नहीं आने देना, पुलिस रोक के उनको। अगर कोई ऐसा नहीं है राजनीतिक सपोर्ट, विपक्ष जितना पहले ये विपक्ष में होते थे, ये सपोर्ट करते थे आंदोलन को, उसी हिसाब से वे कर रहे हैं। तो विपक्ष वालों की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष वालों की ये जिम्मेदारी है कि कोई देश में घटनाक्रम हो रहा है उस पर आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी है। ये पहला आवाज उठाते थे, अब दूसरे वाले उठा रहे हैं। लेकिन अभी बात ये भी उठ रही है कि
जो विपक्षी पार्टियां थी वो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहती। ऐसा कुछ नहीं, ये आंदोलन किसी के रहमोक्रम पर नहीं है, ये आंदोलन किसी के रहमोक्रम पर नहीं है, ना किसी विपक्ष के है ना सरकार के है। ये आंदोलन भी जा रहा है कि राकेश टिकैत जी खुद इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। तो मैं क्यों खत्म होने दूं भाई आंदोलन को, विपक्ष के दबाव में ऐसा नहीं है। ये तो एलिगेशन है, सरकार लगाती रहती है। राकेश टिकैत उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा जिन किसानों के ऊपर मुकदमे हैं। एसकेएम उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। एसकेएम की जिम्मेदारी है, पूरे देश ने विश्वास करा है, एसकेएम की जिम्मेदारी है कि जो सरकार उसे किसानों के इशू पे, ग्रामीण के इशू पे, छात्र के इशू पे, बेरोजगारी के इशू पे सरकार से बात करने की जिम्मेदारी एसकेएम की है और एसकेएम बातचीत सरकार से करेगा। सर अब आप बेरोजगारी की बात करने लगे हैं, क्यों ना करें? बेरोजगार कौन होता है? बेरोजगार गांव का नौजवान होता है, वो भी किसान परिवार से है, गांव से है, क्यों ना करें? देश में क्या मुद्दे उठाना कोई प्रतिबंध है क्या? हम मुद्दे उठाएंगे भाई, मुद्दा उठाना देश में कोई प्रतिबंध तो है नहीं। अगर मुद्दे देश में हैं तो मुद्दे देश के उठेंगे। सर अब जब एसकेएम के कुछ लोग, जैसे बात अभी मैंने आपसे बताया, एसकेएम के कुछ लोग चाहते हैं कि आंदोलन की मांग को पूरा कर दिया गया, किसान आंदोलन सरकार ने वापस ले लिया, और एमएसपी वो चाहते हैं कमेटी बन जाए और कमेटी सरकार से बात करे एमएसपी। ये कह रहा है कि किसी ने नहीं कहा, ये अफवाहें चला रखी है, ये अफवाहें कल तक चलेगी, कल शाम को जब प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी अफवाहें खत्म हो जाएगी। अच्छा राकेश जी, तो ये बॉर्डर पे आप लोग बैठे हैं, लेकिन पहले जब आप किसान के आंदोलन को लेके बैठे थे, किसी कानून के विरोध में जब बैठे थे, तो लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया था, बाकी लोगों ने, पब्लिक ने आपको सपोर्ट किया था कि अभी सरकार जब ये किसान उस कानून को चाहते नहीं तो सरकार क्यों बना रही है, सरकार को वापस ले जाने चाहिए, हम भी लोग भी परेशान हो रहे हैं, लोगों का कहना था। अब सरकार को भी पब्लिक कह रही है कि जो कानून बनाया था वो सरकार ने कानून वापस ले लिया, तो अब किसानों को भी उठ जाना चाहिए, हमें भी थोड़ी राहत मिले, निकलने का रास्ता मिले। ये देश की जनता सब समझ रही है, एक एक साल से लोग आंदोलन पे है, एक साल कोई आंदोलन होता है? देश की जनता सब समझ गई है, देश की जनता बोल नहीं रही, देश की जनता जब टाइम आएगा सब बोल लेगी। हमको किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि आप उठ जाओ, हमको हर आदमी ने ये कहा कि हमको बीजेपी के लोगों ने भी ये कहा कि उठना नहीं, देश बर्बाद हो गया, पूरा देश बेच दिया, सब लोगों ने ये कहा। देश की जनता की आवाज ही ये किसान हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं कहा, जनता ने। सर अब आपका ये जो आंदोलन कल की मीटिंग के बाद क्या रूप लेगा, क्या इसका आंदोलन रूप ये लेगा कि आंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे मसले हैं उसका समाधान नहीं करेगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार ने 5 नाम मांगे हैं किसानों से बैठने के लिए, कोई नाम नहीं मांगे, ऑथेंटिक कोई जानकारी किसी के पास में नहीं है, उनको नाम मांगने हैं, उनको पूछना है, वे बैठ के बातचीत करें, उनके लोग आए ऑथेंटिक रूप से, जैसे वे पहले बात करते थे, वे मेल भेजते थे, कोई हमारे पास में मेल नहीं है, फोन से मांगे हुए नाम, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती। आप चाहते हैं उस मीटिंग में बैठना सरकार के साथ? ये कह रहा कि हम क्यों नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे, कौन लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे वो एसकेएम तय करेगा। सरकार कोई एडवाइजरी बॉडी की मेंबर नहीं है एक संगठन की, कि वो भी वो नाम तय करेगी कि ये लोग आएंगे वो आएंगे, अभी तो कोई जानकारी है ही नहीं, अभी तो हवा बात चलानी उनको, अभी चला रहे हैं उनको। वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे आप सरकार से बात करना चाहते हैं आंदोलन अभी खत्म करने के लिए? आंदोलन खत्म करने के लिए एमएसपी गारंटी कानून, मुकदमे वापसी, और जो कंपनसेशन जिन लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है उनका कंपनसेशन, अजय टेनी, ये जो ट्रैक्टर है हमारे, ये जो बंद है ट्रैक्टर आज भी, ये सारी चीजें हो जाएगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन के खत्म करने के लिए सरकार केस वापसी के लिए बोल देती है, एमएसपी जो आप बता रहे हैं कि कंपनसेशन के लिए जो किसानों की डेथ हुई है उनके लिए बोल देती है, और कमेटी बना देती है एमएसपी पे, तो क्या है आप ये एमएसपी पे कमेटी नहीं, अब सरकार जब आएंगी नहीं, हम आपको पिछले 8 महीने से बता रहे सरकार आए नहीं रही, टीवी को हम बता रहे,
भाई जब आएगी तो बैठ के बात करेंगे उनसे, जब आ जाएगी तो बैठ के बात करेंगे, या सारे सवाल हमारे से एक आधा सवाल उनसे भी ले लो। तो ये बिंदु आपके रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, आंदोलन खत्म कर लेगी, आगे एक कमेटी बनेगी, वह कमेटी जो दूसरे मामले होंगे उन मामलों पे जब भी कोई समस्या होगी उस मामलों पे सरकार से बातचीत करेगी, एक कमेटी भी इसमें बनेगी। अच्छा अब मैं आपकी बात करूंगा सरकार से, अगर आप अपने दिल की मन की बात करना चाहें, दिल की बात करना चाहें, तो आप क्या बात करेंगे? अरे सरकार जब मिलेगी तो बात कर लेंगे, अब मिल सरकार रही नहीं, जब मिलेंगी क्या पता भाई क्या बात होगी, जब मिलेंगी तो बात कर लेंगे, मन की बात करेंगे। अरे मन की तो बात होगी, एक साल से जो बात रुकी हुई है सारी होगी। सर एक सवाल अलग है, ये किसानों के लिए 12,000 करोड़ की योजना मंजूर की है यूपी सरकार ने, पता नहीं किस चीज के लिए करी होगी, तो करी होगी, सरकार है तो सरकार को तो मंजूर करनी है, और क्या कोई कोई दूसरी पार्टी आएगी करने? भाई उत्तर प्रदेश सरकार है तो उत्तर प्रदेश करेगी, भारत सरकार है तो भारत सरकार करेगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है।